अस्सलामुअलैकुम विवास, कैसे हैं आप? तो मेरा बाजू आज बहुत स्वेल है, इस वजह से मैं रोटी नहीं खा सकता। तो आज मामा मुझे रोटी खिला रही हैं, रोटी खिला रही हैं। और आपको लग रहा होगा मेरी शर्ट क्यों उतारी है मामा, मुझे बार बार घबराहट हो रही है, इसलिए मैं बार बार नहाने वाले जाता हूँ। और आप लोगों को कल रमज़ान है, शुरू हो रहा है, और कल पहला रोज़ा है, तो आप सब व्यूअर्स को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को मुझे पे नया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने रमज़ान में सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुआ करनी है, मैं थोड़ा सा खेलता हूँ तो मेरे बाजू स्वेल हो जाते हैं, मम्मा मुझे कह रहे हैं, मामा खाना खिलाती हैं और कह रहे हैं मैं रात को मैं सो भी नहीं पाता। चलो बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, मैंने नाना रोटी तो खा लो, रोटी के फौरन बाद थोड़ा ही नहाना है। रोटी खा के थोड़ी देर बाद नहा लेना, ठीक है? अभी फौरन नहीं नहाना मेरा बेटा। तो बाजू के ऊपर ठंडा पानी डाल लेना ना, नहा भी लेना, मैं कोई मना कर रही हूँ, नहा भी लेना। अभी बाजू पे पानी डाल लेना ना ठंडा। अच्छा कल तुम्हें दर्द थी अब बिल्कुल? उस नहीं, जब पार्टी कर रहे थे तब नहीं, तब नहीं हो रही थी, फिर अचानक क्यों आने लग गई? दबाव आ गया ना इस वजह से। दो लुकमे रह गए हैं, ये तो खा लो। अच्छा चलो बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, तो आपने पहले भी कहा है, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब्दुल कुदूस को गुस्सा भी आया हुआ है क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती जो है ना खाना खिला रही हूँ, ये लो। तो उसने नहाना था, मैंने कहा पहले खाना खा लो, दोपहर को भी नहीं खाया था इसने, मैंने कहा पहले खाना खा लो बेटा, फिर थोड़ी देर बाद नहा लेना। असल में पता क्या है, इसको इनको जब दर्द होती है ना तो साथ में पता नहीं घबराहट भी इनको साथ में ज़्यादा होती है, फिर बार बार नहाते हैं और ठंडा पानी तो डालती हैं जिस जगह पे दर्द होती है वहाँ पे, लेकिन ये बार बार फिर नहाते हैं, घबराहट इनको होती है साथ साथ। तो बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला अपना इस रमज़ान की बरकतें जो है, इस मुबारक महीने की बरकतें हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में अता फरमाए, और इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस जब दर्द होती है तो फिर खाना पीना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, खिलाना बड़े तरीके से खिलाना पड़ता है। बस कहते हैं नहाना है, दिल घबरा रहा है, दर्द हो रही है, तो अभी भी बस जिद लगा के बैठा हुआ। अभी दिन में इसने 3-4 दफ़ा नहा लिया और जो पानी डाल रहा है वो अलग। अब शाम हो गई है तो बड़ी मुश्किल से ये मैं खाना खिला रही हूँ, तो बस अभी इसको मैं जो है ना पानी पिलाती हूँ ठंडा, और इसको फिर नहलाती हूँ। नहा तो खुद ही लेता है, कहता है बड़ा हो गया मामा, मैं खुद ही नहा लूँगा, आप नहीं करो। तो माशाल्लाह समझदार भी है, तो घबरा जाता है बच्चा है ना,
आप लोग दुआ किया करें, और इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।